आप लोग युद्ध के विज्ञान को जानते होंगे या खेल के विज्ञान को जानते होंगे, उसमें एक व्यूहात्मक दृष्टि से एक सुझाव हमेशा आता है कि आप अपने मैदान में खेलिए। अगर आप सामने वाले के मैदान में जाते हो खेलने के लिए तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हो। अपने मैदान में खेलते हैं तो आप, अगर कबड्डी भी खेलते हैं तो अपने मैदान में जब खेलते हैं तो आपकी एक ताकत रहती है। युद्ध भी दुश्मन को अपने मैदान की ओर खींच करके लाओ फिर मारो, ये युद्ध के अंदर भी समझाया जाता है। अब आप अपने दोस्तों के साथ स्पर्धा में उतरते क्यों हो? उसका मैदान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी परवरिश अलग है, उसका एनवायरनमेंट अलग है, उसकी रुचि अलग है, आपकी परवरिश अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपके सपने अलग हैं। आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है और इसलिए आपको उसकी पूरे इकोसिस्टम का पता नहीं है और आप उसको देखकर फिर उसमें फिट होने की कोशिश कर रहे हो तो अपना भी खो देते हो और उसको पा नहीं सकते हो और फिर निराशा में आ जाते हो और फिर माँ बाप की डांट पड़ती है। और इसलिए पहले तय करो कि आपके भीतर क्या चीज है, आप किस चीज में समर्थ हो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। और इसमें आपके दोस्त मदद कर सकते हैं, आप चीजों को ऑब्जर्व करके कर सकते हो। आप उसी में आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको कभी भी, आप देखिए ये सारे जितने खेल जगत के अंदर बड़े बड़े नाम लेकर के आते हैं, कोई उनकी डिग्री पूछता है क्या? पूछता है क्या? कोई उसका साथी कहता है क्या, अरे मेरे क्लास में पढ़ता था बिल्कुल डब्बू था, बिल्कुल था, लेकिन अब वो डब्बू था लेकिन टेनिस खेलता था तो दुनिया में नाम कमा के ले आता था। क्योंकि उसने अपनी ताकत पहचानी, वो चल पड़ा, अपने मित्रों की ताकत थी पढ़ाई में, वो पीएचडी हो गए, साइंटिस्ट होंगे, वो उस दिशा में जाएंगे। कभी कभार होता है खुद को न जानना, ये समस्या का एक कारण होता है। एक, हमने जानना चाहिए अपने आप को। दूसरा, जब भी आप प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं तो आपको एक तनाव महसूस करना पड़ता है। आप खुद को नहीं देखते हैं, उसको देखते रहते हैं, यार वो 4 घंटे पढ़ता है चलो मैं भी 4 घंटे पढ़ूंगा, वो 3 घंटे ये करता है मैं भी करूंगा। यानी आपका वही एक गाइडिंग गाइड और फिलोसोफर बन जाता है अनजाने में। आप रहते ही नहीं है। आप खुद को देखो, खुद को समझो, खुद के लिए काम करो, आप देखिए। दूसरा, प्रतिस्पर्धा अपने आप हो जाएगी। आप चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को आपके प्रतिस्पर्धा में आने दो, आप किसी की प्रतिस्पर्धा में मत जाओ। आपको अगर यह स्थिति पानी है कि लोग आपको स्पर्धा करने के लिए लालायित हो जाए, लोग आपको मॉडल मान करके प्रतिस्पर्धा के लिए उतर, मुझे बनना है तो ऐसा बनना है, मुझे करना है तो ऐसे करना है, वो कब होगा? अगर आप अनुस्पर्धा करेंगे, खुद के साथ स्पर्धा। मैं पहले अगर 3 घंटे पढ़ पाता था, अब मैं 3.5 घंटे पढ़ पाता हूँ क्या? पहले मैं 30 मार्क्स लाता था, अब 35 ला पाता हूँ क्या? पिछली बार मेरा ये रिजल्ट आया था, पहले मैं 6 घंटे मेहनत करता था, इतना याद रहता था, अब मैं 2 घंटे मेहनत करके इतना एब्सॉर्ब कर सकता हूँ क्या? खुद के साथ अपने एक पैरामीटर बना लें और डायरी लिख सकते हैं आप कि मैं कल था वहां से 2 कदम आगे गया कि नहीं गया। अगर एक बार हम खुद से 2 घंटे 2 कदम आगे चलना सीख लेंगे तो फिर उसका जो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको किसी की शाबाशी की जरूरत नहीं है, आपके भीतर से एक ऊर्जा प्रकट होगी जो ऊर्जा आपको नई क्षितिजों को पार करने के लिए किसी भी हेल्पिंग हैंड के बिना आपको ताकत दे सकती है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप प्रतिस्पर्धा के चक्कर से निकल जाइए, अनुस्पर्धा करें।